नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभिमन्यु गौतम। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे यूज करते हैं। इसमें अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, जिसमें आप इजीली एक प्रैक्टिस मतलब इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो अपने CCNA एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे इसमें है फाइल मेनू, इसमें आप ओपन ओपन एक्स सैम्पल, सेव सेव एज पिक पैकेज, सेव एज कॉमन कार्टेज, प्रिंट रिसेंट फाइल, एग्जिट एंड लॉग आउट। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट सिंबल दिए हुए हैं, ओपन सेव प्रिंट एक्टिविटी विजार्ड, कॉपी पेस्ट अंडू रीडू जूम इन जूम आउट रीसेट जूम आउट, और ये ड्राइविंग पेटल्स और कस्टम डिवाइस डायलॉग। फिर उसमें बाद है ऑप्शंस में है, एडिट में है, वही सब आता है, व्यूज है, टूल है, एक्सटेंशंस हैं और हेल्प। इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं जो आपके काम का हो। यहाँ पे भी है कि यहाँ पे आप ये आपका वर्क कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपका क्या इसका फंक्शन है। यहाँ पे इसके थ्रू आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ आपको डिलीट करनी है तो इसके थ्रू होगा, जूम जूम आप कर सकते हो। अगर आपको रेक्टेंगल लेना है, कुछ भी आपको लेना है, अगर पेज का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जब आप करोगे तो वो चेंज होगा। नो फिल फिल कलर कर दो आप, देन उसके बाद होगा। आउटलाइन चेंज कर सकते हो, फिल कलर, मैं भी इसको करता हूँ ये लो, ऐसे ही आपका वर्क करेगा। फिर उसके बाद अगर आप अंडू कर दो, यहाँ पे आप कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो, तो इनको रिमूव करने के लिए आप यहाँ से ये सब आपको डिलीट करना होगा। जो एक बेसिक चीज़ है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे तो कुछ मैं इस पे बताऊंगा और कुछ आपको मैं GNS 3 पे बताऊंगा। तो अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आपको काम करना है। ये आपके नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसमें आपका राउटर, स्विच और ये आपका हब, वायरलेस डिवाइस, सर्वर, सिक्योरिटी सॉरी, और जो क्लाउड बेस्ड होता है वो यहाँ पे वैन एमुलेशन उसको बोलेंगे हम। और यहाँ पे फिर आपके डिवाइसेस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सिस्टम, होम, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल और पावर ग्रिड। अब देखो यहाँ पे एंड डिवाइसेस में भी हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हमारे सामने हैं, PC, लैपटॉप, सर्वर, फ़ोन, VIP फ़ोन। फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, MCU बोर्ड, SBC बोर्ड, और ये सब यहाँ पे प्लग्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे केबल कनेक्शन है, सभी प्रकार के केबल यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप कोई भी इसमें से उठा सकते हो। ये फिर आपका मल्टी यूजर कनेक्शन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई राउटर यूज करना है तो आप यहाँ से उसको उठा सकते हैं, या फिर आपको कोई मशीन या फिर आपको कोई स्विच लेना है वो उसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइस यूज करते हो तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। और होम में अगर जो भी आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे ये सब आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा सा मतलब एक यू कैन से डायग्राम या फिर कुछ आपको ऐसा बनाना है कि आपको शो करना है, मतलब हर काफ़ी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को,
सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो ही मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन होगा, कि इंस्पिरेशन मिलेगा ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं फर्दर, और आप लोग देखें वीडियो को और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।